हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विभा क्रिएशन। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आम के लौंजी की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए देसी आम, अधपके से आम चाहिए हमें, खट्टे मीठे। मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। मसाले में हमें चाहिए सौंफ और मंगरेला। मिठास के लिए चाहिए चीनी और गुड़। अब मैं कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म कर ले रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने मसाले डाल दिए इसमें। जब मसाला चटकने लगे फिर मैं इसमें पल्प डाल दे रही हूँ आम का। अब इसे थोड़ा चला ले रहा है। मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी लो फ्लेम पर, ताकि ये गल जाए अच्छे से। ये देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने देखा कितना गल गया है ये आम। अब मैं इसमें गुड़ और चीनी डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों। इसे मिक्स करके फिर से मैं इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर डालकर छोड़ दूंगी। ये देखिए, हमारा आम का लौंजी तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। इसे कहीं कहीं आम का खट्टा मीठा अचार भी कहते हैं और खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं इसे। आप इसे रोटी, ब्रेड या नान के साथ परोस सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये। आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें इसे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।